One, one thing that Manipaji touched was sport is all about struggle, about deadlocks, where little seems to happen in spite of much effort. But the moment you start to enjoy, results start to follow. Quickly, somebody's joining us on Skype. Uh, Jayant is joining us. He provides us with a lot of uh, entertainment and uh, both are again. Jayant, how are you doing? Quite pleased with how India dominated the entire second day of the second test match. हा आई एम डूइंग रियली ग्रेट और uh, मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा मेरे को तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा रिशभ पंत की कैचेज द वे ही जम्प ऑन दॉल्स मतलब ऐसा लग रहा था कि uh, पहले प्रैक्टिस करके आए हैं स्पेशली बाद में इन्होंने विकेट कीपिंग सीखी है द कॉन्फिडेंस ही वॉज रियली ऑसम इस टर्निंग पे रियली really बहुत मुश्किल है बॉल को जज कर पाना क्योंकि बैट्समैन भी वो आसानी से कर नहीं पा रहे हैं

यूथ आसानी से देखा जा सक रहा था पूरे के पूरे मैच में किस तरीके से एक लड़का पूरा का पूरा मैच मतलब अलग ही दिख रहा है एक्रोबैटिक स्किल्स करता हुआ वो बहुत ही बढ़िया लगा तो सर अब डू थिंक दिस इज गोइंग टू गो टू डे फोर और विल इट एंड टूमोरो जयंत आई आई थिंक इट इट रियली डिपेंड्स ऑन फ्यू यू कैन से लीडिंग बॉलर अश्विन पे बहुत ज्यादा जोर रहेगा

आएगा इन इनकी बैटिंग में मुझे लगता है सेकेंड इनिंग्स में भी और दूसरी बात यह भी है कि इंडियन टीम दो सेशन तो खेलेगी ही खेलेगी अगर अनलेस एन हंडेल ऑल आउट ही कर दें इंग्लैंड के बोलर्स जो कि जिस तरह के इंग्लिश बोलिंग का हाल है लग नहीं रहा है कि आउट कर पाएंगे सो दो सेशन तो खेलेंगे ही खेलेंगे फिर दो घंटे में आउट करना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा चाहे जिस तरह की भी पिच हो टेस्ट मैच क्रिकेट हो रही है चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मनिंदर सिंह को बीसीसीआई सी आई कहती हैं कि मरिंदर सिंह जी हम आपको डिसाइड करने की अथॉरिटी देते हैं द टू स्पिनर्स दैट विल प्ले फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट टेस्ट मैचेस आपके वो दो स्पिनर्स कौन कौन होंगे एक तो मैं समझ गया अश्विन होंगे दूसरे कौन होंगे <laughs> देखिए अक्षर पटेल ने जिस तरह की कंडीशन है ठीक ठाक बॉलिंग की है क्योंकि लेकिन उनको इसी तरह की कंडीशन चाहिए लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो राहुल चहर को टीम के साथ रखा हुआ है जो कि लेग स्पिन बॉलर हैं युजवेंद्र चहल हालांकि मेरे एक फेवरेट लेग स्पिनर हैं जो कि टीम में ही नहीं है कहीं आसपास ही नहीं रखा उनको टेस्ट मैचेस में uh, अगर वो होते तो मैं कहता कि उनको खिलाना चाहिए लेकिन राहुल चहर हैं टीम के साथ hmm. uh, मैं प्रिफर करता कि वो ये भी टेस्ट मैच खेलते hmm. क्योंकि मुझे बड़े पसंद आते हैं उनका जो बॉलिंग का अंदाज है इस तरह के पिचेस के ऊपर बड़े सक्सेसफुल होते लेकिन अब जो है उसमें मुझे लगता है कि अक्षर पटेल और अश्विनी रहने वाले समटाइम्स इट्स नॉट यू 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 हैव हैव बट डू विद Uh, England at the moment, the bright spot today for England, the only bright spot today was the fact that they allowed India to bat again because they did not take the follow on. The lead has to be 200 or less. Uh, the, the other thing is now, England, can they challenge their lowest total? We'll quickly take a look. We've got a graphic actually, and the graphic actually says the lowest total against India in test matches, are that is where it stands. And if you talk about the fourth innings, do you think India will have the firepower to. Ah, I'm sure this is uh, we are thinking way too ahead, but this is the lowest total of England against India in Test matches. देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि English team इतनी जल्दी धरा शायद नहीं होगी जैसा कि हम सोच रहे हैं कि पहली innings में बिल्कुल ही नहीं खेल पाए दूसरी में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। I think they will come and fight। Yeah, because that is what Test cricket is all about. Good to see that uh, we get uh, so many contests because when T20 came, वनीब्या The, the thought was, will test cricket go into descendants? will it go into oblivion? and the answer is no. the joy and the thrill and the combat and the comeback and the setback, every setback is a setup for a comeback in test matches. that is the reason why it is called the pure blissful form of cricket. that is why it is called test match cricket. That's because it's a test. you know, if the conditions make hill road test, hai. india, australia, thi. india, ke test. Tha. जीत जीत क्योंकि वो जो कंडीशंस यहाँ पे मिलती है इंडियन प्लेयर्स को उसके बिल्कुल विपरीत कंडीशंस थी लेकिन उसमें भी जीत के आए वो टेस्ट पास करके आए ये भी टेस्ट मैच है अब यहाँ पर इंग्लैंड को वो टेस्ट पास करना है सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और सबसे बढ़िया बात ये है कि ट्वेंटी ओवर्स की क्रिकेट की आपने बात की और ये सोच रहे थे कि टेस्ट मैच क्रिकेट मर जाएगी कौन देखने आएगा मुझे ऐसा लगता है कि जिंदा कर दिया है ट्वेंटी ओवर्स की क्रिकेट ने टेस्ट मैच क्रिकेट को क्योंकि आप इतने शॉट्स खेलते हुए देखते हैं बैट्समैन को कि वो रिजल्ट आने ही आने हैं और दस में से मुझे लगता है सात आठ टेस्ट मैचेस में रिजल्ट आते हैं सो व्हाट बेटर देन दैट कि पांच दिन का टेस्ट मैच हो चौथे दिन आपको रिज़ल्ट मिल रहा है या पांचवें दिन आपको लंच तक रिजल्ट मिल रहा है उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आ सकता मी बींग ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल यू नो क्रिकेट लवर मुझे टेस्ट मैच क्रिकेट में ज्यादा मजा आता है हालांकि मुझे ट्वेंटी ओवर्स की क्रिकेट में भी मजा आता है क्योंकि ये आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है कि ये बर्गर का जमाना है दो मिनट में ऑर्डर करो दो मिनट में मिलता है सो so वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन अच्छा खाना भी खाना चाहिए सो so टेस्ट मैच क्रिकेट को भी इंजॉय करना मॉडर्न एज इज्स एवरीथिंग विद इन अ जिफी सो वी टेन टू हीरो प्लेयर विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बट द जॉय एंड द रियल थ्रिल is 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 by Test cricket. Now joy and thrill we are talking about. with us. us? what is it that you've got up for दोनों सिर्फ ये बोलूँगा कि एक मैसेज मेरे पास आया था अभी ऋतिक का उन्होंने मुझे बोला कि भाई हाय सौरभ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो अब यू नो इंग्लैंड को बचा सकती है मैंने कहा क्या क्रिश जादू मुझे याद है कि क्रिश क्योंकि देखिए कि मैं तो खेल नहीं सकता है क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात के इंडिया की प्लस पॉइंट पिछले अगर हम पंद्रह साल में क्रिकेट देखें तो वो ये रही है कि वो बाउंस बैक बहुत अच्छा करते हैं तो जो बाउंस बैक किया है उसके लिए हेड्स ऑफ टू इंडियन टीम और विश ऑल विशिंग वेरी बेस्ट कि वो आगे जो जो भी मैचेस खेले कल के कल के दिन के अलावा परसों के अलावा हमेशा उसके अंदर जिसे कहते हैं चकते फटे नब दे गिली hmm. वो करें थैंक यू सो मच वेल रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एक्चुअली यू अ लॉन्ग डे एज वेल सो व्हाट विल बी योर फाइनल कमेंट ऑन द डे फॉर टीम इंडिया आई थिंक इंडिया डोमिनेटेड एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द इंडियन बॉयज और मैं कल से ही बोल रहा था बल्कि जब मैच शुरू नहीं हुआ था तब से ही बोल रहा था जो मैंने पिच का कलर देखा मैंने कहा अश्विन जीने नहीं देंगे इनको और मैंने मन में मन में ये भी सोचा कि अश्विन ऐसे बोलर हैं जिनको पता है कि इस तरह की पिच के ऊपर किस तरह से बोलिंग करते हैं करते हैं वो इंडियन बैट्समैन को भी नहीं जीने देते सो ऑल इन ऑल डे को एनालाइज़ करना है तो इट्स जस्ट गॉन इंडियाज वे All right, thank you, Saurabh. Thank you, Manivya. It was a joy. And thanks to all of you because without you, we are incomplete. Absolutely. And we'll be looking forward to your company tomorrow as well, right here on Cricket Live. I hope you loved it as much as we did presenting it for you. Keep smiling, it increases your face value. This is Padamji Cheral from Cricket Live saying good night.